बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले चंद घंटों के दौरान कराची में शुरू होने वाली गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिशों के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट पेश खिदमत है। नाज़रीन, मगरबी बारिशों का सिलसिला इस वक्त पूरी शिदत के साथ बलोचिस्तान में तूफ़ानी और सैलाबी बारिशें बरसाता हुआ, जबकि इस सिस्टम के असरात इस वक्त कराची में भी दाखिल होना शुरू हो चुके हैं और कराची के बेशतर इलाकों में गहरे बादल मौजूद, जिनकी शिदत और फैलाव में आने वाले चंद घंटों में मज़ीद इजाफा होगा। कराची में नाज़रीन आज शाम रात कितने बजे बारिश शुरू होगी, बारिश की मकदार क्या हो सकती है और जुमेरात 18 अप्रैल की सुबह कराची में बारिश की सूरत हाल क्या होगी, तमाम तर तफसीलात वीडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता चलूं कि कराची में आज रात से जुमेरात की सुबह और दोपहर तक बारिश के सबसे ज़्यादा इम्कान हैं। इस दौरान गहरे बादल और शदीद गरज चमक के तूफ़ान तश्कील पाते हुए बहरा अरब से कराची के ऊपर से गुजरते रहेंगे। नाज़रीन, कराची के लिए ये सिस्टम अभी भी काफ़ी हद तक ताकतवर है, जिसकी वजह से आने वाले 12 से 24 घंटों में कराची के तमाम इलाकों में बारिश होगी और कल जुमेरात 18 अप्रैल की सुबह भी कराची में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश के सबसे ज़्यादा इम्कान हैं। बारिश की मकदार के हवाले से बात की जाए तो कराची शहर के तमाम इलाकों में इंशाल्लाह ज़रूर बारिशें होंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5-10 मिलीमीटर से लेकर 30-40 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। नाज़रीन, जहाँ गरज चमक के तूफ़ान ज़्यादा ताकतवर हुए वहाँ बारिश की मकदार भी ज़्यादा होगी, लेकिन अच्छी और सबसे बड़ी खबर यह है कि आने वाले 12 से 24 घंटों में शहर के तमाम इलाके इंशाल्लाह ज़रूर बारिशें हासिल करेंगे।